देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले हमने खोली 9, 10, 11, 12, ठीक है जी, 9, 10, 11, 12, 50% बच्चे आएंगे। इसका मतलब अगर क्लास में 40 बच्चे थे तो 20 बच्चे एक वक्त में हो, सबसे पहली चीज ये। नंबर टू, हमारी टीमें कॉन्स्टेंटली फिर रही हैं देखने के लिए कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देखिए मेरे ख्याल से और फिरदौस साहब भी एग्री करेंगी, सबसे ज्यादा SOPs फॉलो स्कूलों में हो रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, जहां पे मैंने खुद जाके पंजाब के अंदर देखा कि डिस्टेंसिंग रखी हुई थी बच्चों के, प्राइवेट स्कूल्स में भी और पब्लिक स्कूल्स में भी। मैं आपको ये बताऊं इस दफा क्यों इतना प्रेशर है SOPs का सबको फॉलो करने का, क्योंकि सबको पता है कि अगर ना फॉलो किए गए हम बंद कर देंगे, और वो खुदा ना खास्ता अगर रेट बढ़ा तो हमें स्कूल्स बंद फिर करने पड़ेंगे। सो इसलिए सब बहुत फोकस्ड है इस दफा, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी, कि फॉलो किया जाए।